फ्रेंड्स आज का सॉन्ग होने वाला है पछताओगे, अरिजीत सिंह का है। इसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइन है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इस पे मैंने लेसन रखा है हार्टबीट स्टाइल के ऊपर एंड स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर। बिगिनर्स स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर सकता है, एडवांस हार्टबीट स्टाइल पैटर्न यूज कर सकता है। दोनों में ही बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा हमारा सॉन्ग। तो जल्दी से देख लेते हमारे क्या कोड यूज हो रहे हैं। बहुत ही ईजी कोड है हमारे, और बहुत ही ईजी हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न और हार्टबीट स्टाइल पैटर्न है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हार्टबीट स्टाइल से रिलेटेड गाने लेके आता रहता हूं और हार्टबीट स्टाइल के ऊपर भी मैं लेसन लेके आता रहता हूं। चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जरूर। बस अब आ जाते हैं हम क्लोजर लुक में। अब मैं आपको बता दूं एक्चुअली हमारे कोड क्या यूज हो रहे हैं, कहां पे क्या कोड लगेगा, कौन से वर्ड पे कौन सी लाइन पे हमारे क्या क्या कोड लगेंगे और एक्चुअली हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न है क्या। तो अब आ जाते हैं क्लोजर लुक। फ्रेंड्स अब हम आ गए क्लोजर लुक में। इसमें क्या कोड यूज हो रहे हैं और एक्चुअली हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न है क्या और हार्टबीट स्टाइल। हार्टबीट स्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा प्यारा सॉन्ग लग रहा था, इसमें हार्टबीट स्टाइल के अंदर प्ले करना। अगर एडवांस प्ले कर रहे हो तो हार्टबीट स्टाइल के अंदर, और बिगिनर्स के लिए मैंने इसके अंदर स्ट्रमिंग पैटर्न भी रखे, डोंट वरी। तो पहले हम कोड देख लेते हैं एक्चुअली हमारे कोड क्या लग रहे हैं, कौन से वर्ड पे हमारे क्या क्या कोड लगेंगे वो तो गाने में पता चलेगा। पहले कोड देख लेते हैं इस गाने में क्या यूज हुए हैं। जो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कैपो यूज हो रही है वो हो रही है हमारी फर्स्ट फ्रेट पे। इतने ध्यान रखना, कैपो को लगाने के बाद के मैं आपको कोड बता रहा हूं, ये कैपो यूज हो रही है हमारी फर्स्ट फ्रेट पे। उसके बाद जो हमारे इसके अंदर पहला कोड यूज हुआ है वो हुआ है हमारा ई माइनर। दूसरा कोड यूज हो रहा है हमारा इसके अंदर ए माइनर। तीसरा कोड यूज हो रहा है हमारा इसके अंदर सी मेजर। इसके अंदर ओनली थ्री कोड है, ठीक है। एक तो ई माइनर, दूसरा हो गया हमारा ए माइनर, तीसरा हो गया हमारा सी मेजर, ठीक है। हमारे तीन कोड हो गए। स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं पहले स्ट्रमिंग पैटर्न, उसके बाद हार्टबीट स्टाइल, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी है इसके अंदर और एडवांस के लिए भी। बिगिनर्स स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करना चाहते हो तो यू कैन गो एब्सोल्युटली स्ट्रमिंग पैटर्न। अगर एडवांस प्ले करना चाहते हो तो हार्टबीट स्टाइल है, ठीक है। दोनों के अंदर ही बहुत प्यारा सॉन्ग लग रहा है। तो हम पहले सुन लेते हैं कि एक्चुअली हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न है क्या। तो स्ट्रमिंग पैटर्न आपको शो हो गया होगा। स्ट्रमिंग पैटर्न फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है हमारा डाउन, सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है हमारा डाउन अप, थर्ड एंड लास्ट पार्ट में क्या आ रहा है हमारा चक। तो हमारे दो पैटर्न इसके अंदर यूज हुआ है। गाने के बीच में जब जाएंगे हम तो गाने में ऐसे हो रहा है, उसके बाद हमारी रेगुलर प्ले हो रही है। तो गाना अब ये मैं चलाऊंगा, उसके साथ कोड लगाऊंगा तो आपको इजी होएगा समझने में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में डाउन, सेकंड पार्ट में हमारे डाउन अप, थर्ड पार्ट में हमारा चक, ठीक है। रेगुलर भी प्ले कर रही है, रेगुलर में जो प्ले होगी वो पैटर्न आपको भी शो हो गया होगा। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये हमारा रेगुलर में होगा। और जो बीच में जैसे हमारा गाना जाएगा, आपको गाने के बाद जब चलाऊंगा मैं उसके में समझ में आएगा जब हम बीच में जाएंगे गाने के, ठीक है। तो उसमें कैसे यूज हो रहा है, इसमें ये यूज हो रहा है। इसमें दो पैटर्न यूज हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। दोनों को ही प्ले करना पड़ेगा आपको। ये हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न, तो फर्स्ट पार्ट में डाउन, सेकंड पार्ट में डाउन अप एंड थर्ड पार्ट में चक। एंड रेगुलर में जो प्ले होगा वो होगा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ये होगा हमारा रेगुलर में प्ले। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली हमारी हार्टबीट स्टाइल है क्या। पहले सुन लेते हैं एक्चुअली साउंड कैसी कर रही है। ये हमारी हार्टबीट स्टाइल जो इस गाने के अंदर यूज हुई है। तो सबसे पहले पैटर्न आपको शो हो गया होगा। जो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आ रहा है, हर्ट एंड स्ट्रम। आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने कल ही अपलोड करी है एक वीडियो हार्टबीट स्टाइल के ऊपर। उसमें 10 पैटर्न बताया मैंने, 10 हार्टबीट के स्टाइल के पैटर्न बताया अलग अलग। तो वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो भी वीडियो देख लेना। और मैंने डिटेल में भी हार्टबीट स्टाइल के ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये खाली मैं गाने के हार्टबीट स्टाइल पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं कोई बेसिक नहीं बताऊंगा कि हार्टबीट स्टाइल ऐसे प्ले होगी, क्योंकि हमारे सॉन्ग का लेसन है, हार्टबीट स्टाइल का लेसन नहीं है। तो पैटर्न देख लेते हैं हम। हार्ट प्लस स्ट्रम फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है डाउन अप सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है हमारे स्ट्रम एंड स्नेयर,
फोर्थ पार्ट में डाउन अप बस ऐसे ही रेगुलर प्ले होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बस ऐसे ही प्ले होगी। इसको स्लो स्लो प्रैक्टिस करना कैसे, ये हमारी हार्ट बीट स्टाइल होगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, अब हम प्ले करते हैं सॉन्ग और उसके साथ मैं आपको कोड लगा के दिखाऊंगा कि एक्चुअली हमारे कोड कैसे लग रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा और अपनी नोटबुक पे सॉन्ग को नोट कर लीजिए और उसके ऊपर जैसे जैसे मैं चलाऊंगा सॉन्ग, कोड लगाऊंगा उसके ऊपर, आप नोटबुक पे अपने कोड नोट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, अब करते हैं सॉन्ग को स्टार्ट। बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना मोर वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हार्टबीट स्टाइल के ऊपर लेसन लेके आता रहता हूं। जो भी नया सॉन्ग आता है उसके अंदर हार्टबीट स्टाइल में ऐड करके लाता हूं, एडवांस के लिए भी और बिगिनर्स के लिए भी। बिगिनर्स के लिए स्ट्रमिंग पैटर्न और एडवांस के लिए हमारा हार्टबीट स्टाइल, यू कैन गो एब्सोल्युटली हार्टबीट स्टाइल या फिंगर स्टाइल, सॉरी स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। और कौन सी वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था।